अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिलान्यास के बाद अब मथुरा में काशी और मथुरा के मंदिरों को भी मुक्त कराने के लिए आवाज उठने लगी है, जिसको लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास ट्रस्ट का गठन हुआ। श्री राम मंदिर के शिलान्यास के उपरांत अब काशी और मथुरा को मुक्त कराने के लिए भी आवाज उठने लगी है। इसी के चलते श्री धाम वृंदावन निवासी देव मुरारी बापू ने श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास ट्रस्ट का गठन किया है, जिसमें पूरे भारत वर्ष से पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे और इस संगठन के द्वारा काशी और मथुरा को मुक्त कराने के लिए कार्य किया जाएगा। संगठन का प्रचार करते हुए महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संजू पुंडीर को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही कई लोगों को अन्य पदों पर दायित्व देकर संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य सौंपा गया है। संगठन से जुड़ी अधिक जानकारियां देव मुरारी बापू ने दी। ऋतिक अग्रवाल, पुनीत शुक्ला, वृंदावन समाचार 24। 5 अगस्त को राम जन्मभूमि मंदिर की शिलान्यास किया गया है। इसके बाद पूरे भारतवर्ष में खुशी की लहर दौड़ रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं वृंदावन के देव मुरारी बापू जी, जिन्होंने मथुरा और काशी को मुक्त कराने के लिए एक नया संगठन बनाया है, जिसके बारे में जानेंगे क्या कार्रवाई वो उसमें कर रहे हैं। आइए मिलते हैं देव मुरारी बापू जी से। बापू जी, पहले तो आपका हार्दिक स्वागत हमारे चैनल में। जय श्री कृष्ण जी। किस तरह का संगठन आपने बनाया और क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? हमने श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास का गठन किया है। यह ट्रस्ट हमने 23 जुलाई को गठन किया है। 23 जुलाई के बाद हमने एक हफ्ता तक लगातार यहाँ के देश के प्रमुख संत महंत महामंडलेश्वर जगतगुरु जी संपर्क किया, और लगातार उन्होंने जिससे भी मैंने संपर्क किया उन्होंने स्वीकृति दी, और आज यह स्थिति है कि 14 प्रदेश के संत महामंडलेश्वर जो प्रमुख रूप से सम्माननीय हैं वो हमारी इस मुहिम में जुड़ चुके हैं। 15 प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हमको नियुक्त करना है, जिसमें 5 अब तक हमने नियुक्त कर दिए हैं, और कई प्रदेश में युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष और भी जो हमारी मेन बॉडी के अध्यक्ष हैं, इसके साथ साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हमारे अब तक 50 कार्यकर्ता जो बन चुके हैं और 50 संत महात्मा भी जुड़ चुके हैं जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहेंगे। इसी तरह हमने हर प्रदेश में इसे को गठन किया गया है, और ये अगस्त महीने के लास्ट तक हमें पूरी कार्यकारिणी का गठन करके सितंबर महीने में एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहाँ मथुरा में आयोजित करने जा रहे हैं। इसमें हमारे देश के जुड़े हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास से जुड़े हुए राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे, और आगे की रणनीति, आगे की चर्चा की जाएगी। और हम इसका गठन इसलिए किए हैं क्योंकि वर्षों से भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली अधूरी पड़ी हुई है। भगवान श्री कृष्ण का जहाँ जन्म हुआ था वो गर्भगृह, भगवान वहाँ पर एक गर्भगृह के रूप में, एक कमरे के रूप में वहाँ पर स्थापित हैं। पास में ही एक विशाल मस्जिद है, यह मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई थी और उसको अब हटाने का प्रयास हम लोग इस ट्रस्ट के माध्यम, न्यास के माध्यम से करेंगे। हमारी प्राथमिकता यह भी होगी कि मुस्लिम समाज को भी हम लोग जोड़ेंगे, बात करेंगे, समझौता से, सहमति से एक काम हो जाता है तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो जैसे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के ऊपर बनी हुई मस्जिद को हटाया गया और मुकदमा लड़ाया गया, अंत में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया जिसका भूमि पूजन 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, उसी तरह हमारी ये पहल आगे बढ़ेगी। आगे की जानकारी हम आपको देंगे और यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। श्री मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बनी हुई मस्जिद को हटाकर और भव्य श्री राम मंदिर, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाया जाए। अभी महाराज जी ने बताया कि अपने नए संगठन के थ्रू वो जो है मथुरा और काशी को मुक्त करने के लिए कार्य करेंगे, लेकिन एक तरफ देखा जाए कि मथुरा और काशी में मंदिर और मस्जिद दोनों का निर्माण पहले से है, उसके बावजूद भी मस्जिद को हटा के मंदिर निर्माण के लिए आखिर क्या इनका मुख्य इसमें उद्देश्य है? देखिए, ये सभी जानते हैं, ये तो हमारे भारत में जब मुस्लिम शासन काल था उस समय केवल अयोध्या में ही नहीं, मथुरा और काशी ही नहीं और बहुत सारी जगह मंदिरों के ऊपर या मंदिर से लगा हुआ पास में विवादित मस्जिद बनाई गई है, तो इसलिए हम ही कह रहे हैं ये विवादित जगह है और इसका कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है, जिसको हम मुकदमा भी लड़ेंगे, हर तरीके से हर लड़ाई को हम लड़ेंगे, जन समूह को हम लोग जुटाएंगे, उनका हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, सर्वसम्मति से होगा, कोर्ट का निर्णय भी जो आएगा कोर्ट का भी इंतजार करेंगे, कोर्ट में हम इसके लिए IPIL दाखिल करेंगे, जो भी हमको संभव प्रयास होगा उसको हम करेंगे। और इस तरह से यहाँ पर
क्योंकि अभी जो मंदिर बना हुआ है वो गर्भगृह स्थल पर नहीं है, उससे अलग हटके मंदिर बनाया गया है। लेकिन हमको तो गर्भगृह जो मेन मंदिर है जहाँ भगवान का जन्म हुआ था वहाँ पर भव्य मंदिर चाहिए, इसलिए हमने इस पहल को शुरू किया। जिस तरह से आपने देखा समझा कि महाराज जी इस नई पहल में अपना जो है मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं, अब देखते हैं आगे क्या इनके लिए कानून कार्रवाई हो सकती है और क्या ये आगे उद्देश्य क्या ये आगे पहल करेंगे जिसके थ्रू इनकी जो मंशा है वो पूरी हो सके। समाचार 24 के लिए पुनीत शुक्ला के साथ मनोज अग्रवाल की रिपोर्ट।